नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं रा24। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने आज बहरोड अनाज मंडी का निरीक्षण किया और कहा कि शिकायत आ रही थी कि मंडी में तोल कांटे कम लगे होने की वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विधायक बलजीत यादव ने कहा कि आज से मंडी में 3 कांटे लगेंगे, जिससे किसानों को परेशानी भी नहीं होगी और भीड़ भी कम रहेगी। साथ ही मंडी में सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। विधायक ने कहा कि जरूरत पड़ने पर किसानों के लिए मानहन में उपकेंद्र खोला जाएगा, जिससे उनकी फसल वहीं खरीदी जा सके। जो भी किसान आए, जल्द से जल्द उसके माल की तुलाई हो जाए और वो अपनी तुलाई करा के घर चला जाए, उसको बहुत ज्यादा वेट ना करना पड़े। इसलिए आप कांटों की संख्या बढ़ा लें। आज 3 कांटे इन्होंने लगाए और आज बहुत जल्दी वो किसान फ्री भी हो गए। अभी भीड़ कम आ रही है, जैसे ज्यादा आएगी, जैसे जैसे जरूरत होगी कांटों की संख्या भी बढ़ा लेंगे। और कोई दिक्कत आई तो एक मानन के अंदर कि भाई वहाँ के लोग, किसान लोग वहीं पर अपनी फसल को बेच दें, एक सब सेंटर वहाँ भी जरूरत हुई तो वहाँ भी हम खोलेंगे, ताकि यहाँ पे किसानों को कोई असुविधा नहीं होगी। पानी की, छाया की, उनके बैठने की इन्होंने व्यवस्था की है, जो मेरे को भी बताई है, अभी तक सफिशियंट है। भीड़ ज़्यादा आएगी और ज़्यादा व्यवस्था करनी होगी, वो भी व्यवस्था करेंगे। हमारी कोशिश यही है कि किसान को कम से कम परेशानी हो। सर, अभी आपने 2 रोज पहले SDM ऑफिस में मीटिंग ली थी, लॉकडाउन को चलते 1 बजे तक का समय रखा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ दुकानें पूरे दिन भर खुलते हैं, उन पर भीड़ भी रहती है। देखिए, वैसे तो 7 से 7 का बोला गवर्नमेंट ने, लेकिन सभी व्यापारी, जो व्यापार मंडल के लोग थे, पदाधिकारी थे, उन्होंने आपसी सहमति से ये कहा कि चूंकि अभी जैसे अपने यहाँ 1 पॉजिटिव आ गया पास में, कि कम से कम भीड़ निकले, ज्यादा लोग बेवजह बाहर ना निकले, इसके लिए तय किया गया था आपसी सहमति से 7 से 1 बजे तक ही हम दुकानों को खोलेंगे। फिर भी कोई आदमी, उस दिन भी बात हुई थी कि 1-2 लोग कोई नोटेरियस होते हैं, ऐसे लोग जो भी होंगे उन पर जो भी कानून के अनुसार मुताबिक जो कार्रवाई हो सकती है, जो भीड़ जबरदस्ती इकट्ठी करते हैं, जो सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराणा ने आज खोरी ग्राम पंचायत में रह रहे जरूरतमंद घुमंतु प्रवासी मजदूरों को 151 खाद्य सामग्री के किट वितरित किए। सचिव शानू राजकुमार यादव ने बताया कि खोरी सरपंच प्रतिनिधि कंवर सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ घुमंतु परिवारों के डेरों पर जाकर एक एक राशन किट पहुंचाया। उनका सहयोग में बाबू मोदी, सुनील, अमन, अभिमन्यु, राजेश, कालू, बबलू भी साथ रहे। ट्रस्ट अध्यक्ष जयराम यादव ने बताया कि इस संकट की घड़ी में ट्रस्ट द्वारा जरूरतमंदों की हर संभव मदद की जाएगी। राजस्थान शिक्षक संघ के कार्यकर्ताओं ने पक्षियों के लिए परिंडे लगाने का संकल्प लिया। जिला अध्यक्ष विनोद पाल यादव ने बताया कि अलवर जिले की समस्त उपशाखाओं के कार्यकर्ता परिंडा लगाओ अभियान को सफल बनाएंगे और प्रकृति को बचाते हुए बेजुबान पक्षियों को पानी की कमी नहीं आने दी जाएगी। बहरोड उपखंड अधिकारी संतोष कुमार मीणा के निर्देशानुसार फल सब्जी की रेहड़ियों को NH-8 पुलिये के नीचे शिफ्ट करवाया गया है। यह जानकारी देते हुए नगरपालिका EO मनीषा यादव ने बताया कि बाजार में भीड़भाड़ न रहे, इसलिए रेहड़ी वालों को पाबंद किया गया है। वहीं बिना मास्क घूमने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना भी लगाया गया। इस कार्यवाही में सुनील यादव, संजीव शर्मा, सत्यपाल यादव, नरेश मीणा भी शामिल रहे। मुख्य बाजार में भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के लिए श्रीमान उपखंड अधिकारी के निर्देशानुसार समस्त रेहड़ी वालों को खुले स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए रेहड़ी लगाने के लिए पाबंद किया गया है, जिसमें पुराने बस स्टैंड के रेहड़ी वालों को कुंड रोड पर खुले स्थान पर ले जाने के लिए और नए बस स्टैंड पर जो रेहड़ी है उनको पुलिया के नीचे लगाने के लिए पाबंद किया गया है। साथ ही बिना मास्क के सार्वजनिक स्थान पर घूमने वाले 42 व्यक्तियों पर जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
लॉकडाउन के चलते अब स्कूल निदेशिका और स्टाफ लोगों की जरूरत के लिए घर पर बैठकर मास्क बना रहे हैं। ब्लूमिंग बर्ड्स स्कूल की निदेशिका सीमा भारद्वाज ने बताया कि उनके साथ मौसम, एकता, शशि, बलकेश भी मास्क बनाने में हाथ बटा रहे हैं। वहीं बच्चों को पौधारोपण के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। आज इतना ही, देखते रहे रात 24। नमस्कार।